दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CSC ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों बात करेंगे हम भारतीय वायुसेना में इंडियन एयरफोर्स में जो है वैकेंसी आई हुई है, तो उस बारे में आज को मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। कहाँ से आपको ऑनलाइन करना है, कितनी फीस है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है दोस्तों। फिर आपको बताता हूँ जो है आपको एपकैट का जो है कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है दोस्तों। आपको सबसे पहले आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट फर्स्ट जॉब्स इस वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सके करंट जॉब्स लिख रहा है, इसके सामने लिखा है एपकैट 02/2023 ऑनलाइन फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है सबके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। कोई भी कास्ट है, SC है, OBC, जनरल है, कोई भी कास्ट है। अगर इसकी स्टार्टिंग की डेट की बात करें तो आज से इसका स्टार्टिंग डेट हुआ है 1/6/2023 से, और लास्ट डेट इसकी रखी गई है 30/6/2023, और 10 अगस्त को इसका एडमिट कार्ड आने वाला है। अगर इसकी जो है एग्जाम की डेट की बात करें तो 25/26/27 को इसका एग्जाम होने वाला है अगस्त में। दोस्तों छात्र वैकेंसी लिखा रही है टोटल, देख सकते हैं आप, और 1/7/2004 के हिसाब से ले रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप उम्र देख लेना, जो भी आपको उम्र ठीक लगे उम्र के हिसाब से। उसके बाद 10+2 होना चाहिए और साइंस पास होनी चाहिए, आपकी साइंस से है, ठीक है दोस्तों। 12% होनी चाहिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए। मैथ फिजिक्स दे रखा है 10+2 से, ठीक है दोस्तों। दोस्तों कुछ ग्रेजुएशन से भी वैकेंसी है, इसमें ग्रेजुएशन भी दे रखा है, जिस जो आपके क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। अब थोड़ा नीचे आना है आपको, यहाँ पर आप देख लेना, मैं इसका लिंक वीडियो के नीचे डाल दूंगा। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिख रहा है, क्लिक एड टू अप्लाई, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का पेज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नाम देना है, फुल नेम देना है आपको, ईमेल आईडी देनी है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना है और गेट OTP पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक OTP जाएगा और यहाँ पर वो ईमेल आईडी वाला और जो है फ़ोन नंबर वाला OTP डालना है, ठीक है दोस्तों दोनों। उसके बाद आपको ये वाला कैप्शन यहाँ पे डालना है और साइन अप पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने इस तरह का मैसेज आ जाएगा, सक्सेस यू हैव सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आपको ओके करना है। अब दोस्तों आपकी ईमेल आईडी पे एक जो है लिंक गया है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप जब साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है अपनी ईमेल आईडी देनी है, और यहाँ पे आपके मोबाइल पर जो नंबर पर पासवर्ड आया होगा, या आपकी ईमेल आईडी पे इस तरह से जो है पासवर्ड आया होगा, ये वाला जो पासवर्ड दे रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला कैप्चर डालना है, उसके बाद साइन अप पर क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, रीसेट पासवर्ड के लिए बोल रहा है। तो अब आपको यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है दोस्तों। ABC या नाम रख के @ वगैरह ये आपको दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको लगाना जरूरी है। इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं, और 1 2 3 4 करके पासवर्ड बना लेना, 8 से 16 अक्षर के बीच में होना चाहिए। तो मैं पासवर्ड बना लेता हूँ। अब दोस्तों जैसे ही आप पासवर्ड बना लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है आई यूजर दिख रहा है, सिंगर आउट दिख रहा है। अब आपको देख सकते हैं जो जो आपको ऑनलाइन करना है, आपको इसके लिए ऑनलाइन करना है या इसके लिए करना है, वो आप देख लेना। अभी आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप दोस्तों बारी बारी से आपको ये डिटेल भरनी है, आपको नीचे आना है, यहाँ पे टिक करना है, वो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका नाम दे रखा, पिता का नाम डाल देंगे अपने, जो भी आपके पिताजी का नाम है। उसके बाद मदर का नाम डाल देंगे दोस्तों। उसके बाद जो है ईमेल आईडी, अगर आपके पास दूसरी ईमेल आईडी तो आप दे देंगे, अदरवाइज से छोड़ देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आ रहा है, उसके बाद आपको मार्क देना है, जो भी आपका बॉडी मार्क है, फेस पे वगैरह तिल विल जो होता है। उसके बाद आपको ये पूछ रहा है, इस पे आपको नो करना है, और यहाँ पे पूछ रहा है प्रैक्टिकल फर्स्ट, यहाँ पे हाँ यस कर देंगे। फर्स्ट नहीं, ये उसके लिए है जो मतलब इसमें जो कर रहा है, तो आप नोट ये अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, मेल है फीमेल है वो आप चुनेंगे। उसके बाद मेल पे क्लिक करेंगे, ओनली फीमेल वालों के लिए है।
उसके बाद मैरिड है, इन मैरिड वालों के लिए है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों। अब यहाँ पर दोबारा से अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है कन्फर्म करने के लिए। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो है नाम वगैरह आ जाएगा, आप अच्छे से चेक कर लेंगे। जब आपको लगा सब कुछ ठीक है तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुल, ओके कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा है एजुकेशन लेवल, तो आपको एजुकेशन लेवल चुनना है। 10+2 ग्रेजुएशन है आपके पास, या 10+2 ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो मेरे पास 10+2 ग्रेजुएशन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ग्रुप ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, वो आप देख लेंगे जो भी आपको ठीक लगे। अभी आपको देखना कहाँ से है ग्रुप ए बी सी, तो आप यहाँ पे जो है इसका जो है इसकी ऑफिशियल जो मैंने बताया था जहाँ से, वहाँ आप जाके देख सकते हैं कौन सा ग्रुप आपको ठीक लगेगा, क्या इसके नोटिफिकेशन में भी आप देख लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आपको डिटेल डालनी है, ग्रुप ए में भरना है मुझे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है बैचलर ऑफ इंजीनियर। दोस्तों जो ये जो इन्होंने ग्रुप दे रखा है, ग्रुप में इन्होंने जो क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे मांग। तो दोस्तों जैसे ग्रुप ए है, ग्रुप में मैं इन्होंने जो मांग रहे हैं वो ये बैचलर ऑफ इंजीनियर के लिए है। बी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियर, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। सी की बात करें तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाए BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टूडेंट, BCOM, BCA, BSc बी वगैरह। अगर आपका BA है तो ग्रुप डी आप जो है ग्रेजुएशन पे टिक करेंगे, तो आप यहाँ पे जो है BA डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो पूछ रहा है ये दोस्तों, यहाँ पे आप जो है कै साल किया वो आप डाल देंगे, वह तो किया है 3 के वो। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कब आपने जो है ईयर और ईयर कब आपने की है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ग्रुप सी कर दिया है। अब यहाँ पर बैचलर ऑफ कॉमर्स आ जाएगा, उसके बाद अपने सब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका कितने ईयर का कोर्स है ये वो डाल देगा, 3 है, 2 है। कॉलेज का नाम डाल देगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ पासिंग डाल देंगे, ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन आपकी कब पासिंग हुई है, आपकी परसेंटेज डल जाएगी कितनी परसेंटेज है आपकी ग्रेजुएशन में। अब यहाँ पे आपको नो करना है क्योंकि आपके पास कोई और मार्कशीट नहीं है। अब आपको 10+2 की जो है डिटेल डालनी है, यहाँ पे परसेंटेज डालनी है 10+2 की। उसके बाद फिजिक्स में कितने नंबर है टोटल वो आप डाल देंगे, मैथ में कितने नंबर है वो आप डाल देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका सक्सेसफुल डाटा हो जाएगा, ओके करना है। ओके करने बाद दोस्तों आपको अगले पेज पे ले जाएगा। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं, अब दोस्तों आपके जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे जो सेलेक्ट करना है वो ऑटोमेटिक इस वाले कॉलम में जो आ जाएगा, इस तरह से आपको करते रहना है, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपका जो है कोर्स प्रिफरेंस सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको अगला पेज आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास NCC है, अगर NCC का सर्टिफिकेट है तो आप इसे यस करेंगे, उसके बाद आप देख लेंगे। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट नहीं है तो इसे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है ये क्या कर रहा है जो है दोस्तों, ये कह रहा है कि आपने जो ये जो वैकेंसी का पता चला वो कहाँ से पता चला, न्यूज़पेपर से या जो भी आप वहाँ फ्रेंड्स है, तो आप देख लेंगे। आपको यहाँ पे कुछ भी जो भी आपका अच्छा लगे वो आप देख लेंगे। मुझे आधार कर देना है, मैं आधार कर दूंगा इसमें। अब यहाँ पे भी आपको नो करना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको ना गेट का एग्ज़ाम दिया है, अगर गेट का एग्ज़ाम दिया तो यस करेंगे। उसके बाद गेट का जो है ये जो पासिंग ईयर पूछ रहा है, उसके बाद जो है परसेंटेज मांग रहा है, अगर नहीं दिया है तो इसे नो करेगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आपका जो है सक्सेसफुल का डाटा आ जाएगा, उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है डिटेल अपनी जो है दे देनी है, मतलब कि एड्रेस अपना दे देना है बारी बारी से, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ अपना एड्रेस डाल के फटाफट दिखा देता हूँ। अब दोस्तों मैंने देख सकते हैं स्टेट चुन लिया है, अपना डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट भी चुन लिया है, सब कुछ डाल दिया मैंने। अपना भी आप देख के डाल देना, जो भी आपका ठीक है देख के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आधार नंबर डाल देना, उसके बाद अगर आपका दोनों का सेम है तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे।
अब दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फोटो और साइन और थंब अपलोड करना है। फोटो आप पे आपकी डेट होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, प्लस आपकी फोटो पे डेट होनी चाहिए। या आप सिलेक्ट से फोटो नाम वाम लिख कर सिलेक्ट से फोटो खिंचवा सकते हैं। अभी मैं दिखाने वाला हूँ किस तरह का फोटो चाहिए आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने फोटो भी अपलोड कर दिया, साइन भी और जो है थंब भी। आपके ये जो तीनों चीज़ है वो 50 KB से कम होनी चाहिए, 50 KB से कम, और प्लस फोटो पर डेट लिखी होनी चाहिए। डेट इस तरह से लिखनी है आपको, देख सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया है डेमो के लिए। ऊपर अपना नाम लिखना है और नीचे अपने जो है फोटो की आपको डेट डालनी है। ठीक है दोस्तों, फोटो पर डेट दोस्तों ऐसे दे सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 30/5/2023 इस तरह से जो है अपनी फोटो की डेट लिख देंगे और इसे जो है सेंटर में आप लगा देंगे फोटो के पास नाम के दौर है। इस तरह से आप नाम और डेट अपनी दे सकते हैं, या अपने जो है खड़े होकर स्लेट पर लिख के अपना नाम वाम जब अपना फोटो जो है अपलोड कर सकते हैं। फोटो का जो फाइल का नाम होना चाहिए ना, फोटो का सिग्नेचर का और थंब का जो नाम होना चाहिए वो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है। जो आप फाइल का नाम रखो ना इनका, तो आप फोटो का तो ये रखना है, साइन का ये रखना है और थंब का ये रखना है, जब भी आपका ये जो है अपलोड हो पाएंगे। जब आपके ये तीनों चीज़ अपलोड हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे प्लेस में अपना प्लेस डाल देना है जो भी आपके आसपास है, जो आप यहाँ पे रहते हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपडेट डॉक्यूमेंट सेव टू सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, ओके कर देंगे। अब आपके सामने जो है आपको सेंटर के लिए बोलना है, तो आप यहाँ पे स्टेट चुनेंगे जो भी आपको सेंटर जहाँ पे भी डालना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जो है 5 सेंटर डाल दिया, आपको भी 5 सेंटर डालने हैं। अपना स्टेट चुनना है जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद अपना जो है फर्स्ट जो रखना है वो आप देख लेना। तो 5 में आपको स्टेट अपना जो भी अच्छा लगे वहाँ पर आप डाल सकते हैं। दूसरे स्टेट में भी अपना जो है सेंटर आप डाल सकते हैं जहाँ पर भी आपको डालना है। तो आपको 5 सेंटर डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद एग्जाम सिटी प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुल का मैसेज आया, ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद आपके सामने एक प्रीव्यू आ जाएगा दोस्तों पूरे प्रिंट का, जो आपने सारा प्रिंट फॉर्म भरा था, क्वालिफिकेशन सब कुछ आपका, सब कुछ ओके आ जाएगा। जब आपको लगा दोस्तों सब कुछ ठीक है मेरा, तो आप क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और सेव एंड प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कोई गलती हो चुकी है तो आप यहाँ पर जाकर एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा सब कुछ ठीक है, तो मैं इसे सेव एंड प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करूँगा। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे टिक करेंगे, उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट दोस्तों जब भी करना है अगर आपको सब कुछ ठीक है, नहीं तो आप अपना ठीक कर लेना पहले। जब आपको लगा सब कुछ ठीक है तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर ये आपको पेमेंट के ऑप्शन पर ले जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुल सबमिट, प्लीज प्रोसीड फॉर पेमेंट, ओके करेंगे। नीचे जाएंगे और इन पे से जो है एक आप टिक कर लेंगे एक पे, उसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सामने जो है एक और इंटरफेस आ जाएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं 250 रुपये फीस आ चुकी है। अब यहाँ पे विद, यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट, नेट बैंकिंग, जिसे चाहे उसे आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे डेबिट कार्ड से करना है तो अदर डेबिट कार्ड, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना जो है कार्ड नंबर डाल देना है, जो भी आपका कार्ड नंबर है दोस्तों। उसके बाद आपको नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है। और उसके बाद यहाँ पे CVV नंबर डाल देना है, जो भी आपका नंबर है। उसके बाद यहाँ पे वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करना है। आपके नंबर पे एक OTP जाएगा और OTP डाल देना है दोस्तों, तो आपकी जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से उसके बाद अपना जो है फॉर्म जो है फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है IFORS का फॉर्म फाइनल सबमिट करके अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका वीडियो का सलूशन निकाल दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।